ओम नमः शिवाय, जय महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी का व्रत किन लोगों को रखना चाहिए और किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। क्या कुंवारी कन्याएं एकादशी का व्रत रख सकती हैं? अगर एकादशी का व्रत रखा है तो क्या उस व्रत को बीच में तोड़ा जा सकता है? एकादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या करें क्या ना करें, या जो व्रत नहीं भी करती हैं उनको भी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 3 मई को या 4 मई को। दोस्तों, यूँ तो साल में 24 और हर महीने 2 एकादशी आती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की हम आराधना करते हैं। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करके व्यक्ति जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा लेता है, लेकिन वैशाख महीने में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करना उतने ही पुण्य दिलाता है जितना पुण्य हमें सूर्य ग्रहण के समय हम दान करते हैं। शास्त्र के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वैशाख का महीना दान पुण्य करने के लिए भी अच्छा होता है। वरुथनी एकादशी कब मनाई जाएगी, 3 मई को या 4 मई को? शुभ तिथि क्या रहेगी, किस दिन से किस समय से ये व्रत शुरू होने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते चलिए। चैनल पर पहली बार आवाज सुना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। बात करते हैं एकादशी तिथि आज शाम किस समय से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत का पारण कैसे करना है। दोस्तों, इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई की रात को 11:24 पर शुरू होगी और 4 मई की रात 8:38 पर यह समाप्त होगी। और भारत में कोई भी व्रत हो या त्यौहार हो, ये उदय तिथि के आधार पर ही रखा जाता है। तो एकादशी का व्रत 4 मई कल दिन शनिवार में रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें त्रिपुष्कर योग बन रहा है, इंद्रिय योग बन रहा है। तो ये जो शुभ योग होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी आपको एकादशी के व्रत का नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप नियम का पालन भी करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत करने के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो इस समय जब आप पूजा करें तो भगवान विष्णु को तुलसी दल शामिल जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है। जब आप भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, पंचम रस से स्नान कराए, तो उस समय भी उसमें आप तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने होते। एकादशी से पहले ही आप तुलसी को तोड़कर रख सकते हैं, या फिर आप एक काम करना, जो तुलसी के टूटे हुए पत्ते होते हैं, जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। 11 दिन तक भी आप तुलसी के पत्तों को रख सकते हैं और उन्हें गंगा जल से धोकर के आप इस्तेमाल उनके भोग में पूजा में कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की आराधना कैसे करनी चाहिए? एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करिए। वहां पर आप भगवान विष्णु को गंगा जल छिड़क कर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपने हाथ में भी थोड़ा सा गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें, और साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवान विष्णु का मंत्र है। उस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार आपको जाप करना है। इसके बाद आप तुलसी की पूजा जरूर करें, तुलसी के पास में दिया जलाए, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी में आपको जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि जल देने से तुलसी माता एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए, तो उनका व्रत टूट सकता है और आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी में आपको जल अर्पित नहीं करना है। तुलसी की आप परिक्रमा कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, मंदिर में आप भगवान के सामने बैठ करके पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई, ये अर्पित करिए। इसके बाद में आप हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जो व्रत होते हैं इसके नियम जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं। एकादशी का नियम जो होता है 10वीं की शाम से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी के दिन या 10वीं के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। इस दिन पशु पक्षियों के लिए भी आप दाने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, छत पर पानी रख सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, बाहर भी जो कुत्ते होते हैं या जीव जंतु जो भी आपके आते हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा खाना और पानी रख दीजिए। एकादशी के दिन किसी भूखे को भोजन कराइए। अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो उसको भोजन जरूर कराएं, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। ऐसा करने से व्रत का आपको फल मिलता है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों को करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरीके का 10वीं की शाम से आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको चावल का सेवन तो भूल कर नहीं करना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का सेवन जरूर करें। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें,
कोशिश कीजिए कि आप इस दिन बाल या नाखून ना कटवाएं। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी की सुबह के समय पूरा होता है। सुबह के समय नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि हम व्रत का पारण करते हैं। यदि आप व्रत रखते हैं और व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको व्रत के नियमों का पालन दोस्तों ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आप मिट्टी के बर्तन का दान, पानी का दान, जूते चप्पल, जो चीज़ें गर्मी से इंसान को राहत दिलाती है उन चीज़ों का दान करिए। एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो आप दान करते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का किसी से गुणगान नहीं करना होता। जो दान आप करते हैं गुप्त दान भी कर सकते हैं, गुप्त दान भी सबसे अच्छा दान माना जाता है। ये तो बात हुई कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि का व्रत कब रखा जाएगा। अब बात आती है कि एकादशी का व्रत किस किस को करना चाहिए। क्या स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं, क्या कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं, या बीच में हम इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप एकादशी का व्रत करें, व्रत नहीं भी करते हैं, व्रत का नियम का पालन भी करते हैं, भक्ति भाव से भगवान के साथ में जुड़िए, प्रेम से जुड़िए। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, भगवान तक हमारी बात ज़रूर पहुँचती है। एकादशी का व्रत लेकिन कोई भी कर सकता है, चाहे कोई घर में छोटा सदस्य है, बड़ा है, बुजुर्ग है, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं या कोई कुंवारी कन्या है, कोई भी इस व्रत को कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। यदि आप एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हैं तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के जो व्रत के नियम होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, जिनको करने से पहले आपको सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्य के उदय होने तक ये व्रत रखना पड़ता है। एकादशी का व्रत कोई भी अपनी इच्छा से रखे, किसी के कहने से इस व्रत को ना रखे। एकादशी के एक दिन पहले से ही इस व्रत के नियमों का आपको पालन करना होता है। एकादशी व्रत के नियम दसवीं की शाम से शुरू हो जाते हैं, तो दसवीं की शाम से ही आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। कोशिश करें कि आप मांस मच्छी इन चीज़ों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर जब आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो इस दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ को आप किसी से सुन भी सकते हैं। सच्चे मन से ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके गंगा जल से तुलसी ग्रहण करके आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियम थोड़े से कठिन होते हैं, इनका पालन करते समय आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी बुजुर्ग है जिसको कोई तकलीफ है या आप प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इन लोगों को व्रत एकादशी का नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक बार व्रत रखते हैं तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करना पाप माना जाता है। तो कहा जाता है कि या तो आप एकादशी का व्रत पूरी तरीके से रखें या व्रत को ना रखें, आप केवल व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। इस तरीके से ही यदि आपने व्रत रखा है तो उस व्रत को कैसे भी करके आपको फिर पूरा करना होता है, इसको बीच में अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एकादशी का व्रत किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।